हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब खुशी से होंगे, मजे में होंगे और खूब सारी मस्तियां कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम सोनल सिन्हा है, आपका दोस्त। मैं आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो कि रिलेटेड है, जो कि जुड़ा हुआ है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस से। दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि मैं आज बात करने वाला हूँ आपसे कि बेसिकली जो एक्सपोर्ट का जो बिजनेस होता है, उसमें हमें बायर्स कैसे मिलेंगे। ये सबसे ज़्यादा सवाल रहता है एक्सपोर्ट बिजनेस में कि हमें बायर्स कैसे मिलेंगे, क्योंकि इंडिया में बायर खोजना फिर भी आसान है क्योंकि वो अप्रोचेबल है, हम कहीं जा सकते हैं, उनसे विजिट कर सकते हैं, लेकिन हम हमेशा इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, तो आज मैं उसी टॉपिक के बारे में आपसे बात करने आया हूं दोस्तों। और आपने बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे यूट्यूब में, जो इससे रिलेटेड काफी लोगों ने वीडियो बना के रखा है कि आप ऐसा कर लो, वैसा कर लो। बहुत सारे लोगों ने तो ये भी बोला है कि आप चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जो इंडिया का है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एसोसिएशंस जो है, उस ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़ जाओ, टाई अप कर लो, वहां से आपको डेटा मिल जाएगा। आपको बहुत सारे लोगों ने बोला है कि आप जिस कंट्री में एक्सपोर्ट करना चाहते हो, वहां पे जो इंडियन एम्बेसी है उनको मेल लिखो, वहां से आपको डेटा मिल जाएगा। दोस्तों, ये सारी चीजें आप खुद सोचो कि ये उनके लिए एप्लीकेबल है जो ऑलरेडी इस बिजनेस में है और ऑलरेडी जिनके पास एक्सपोर्ट के काफी ज्यादा क्लाइंट हैं। क्योंकि जब आप मेल करोगे इन डेटा पे, पहली बात तो मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि इसमें बहुत सारे जो ईमेल आईडी है ना, वो आपको अपडेटेड नहीं मिलेंगे। ये बोल तो देते हैं कि आप डेटा में कॉल कर लो, डेटा सबको पता है, डेटा मिल जाएगा, कोशिश करेंगे इधर से मिल जाएगा। इवन आप जो क्लियरिंग एजेंट है उनसे बात करेंगे, आप वो आपको डेटा दे सकते हैं, लेकिन ये जो डेटा है, ये डेटा पे अगर आप मेल करते हो तो आपको अपने कंपनी का ऐसा इमेज दिखाना पड़ेगा कि आपकी कंपनी ने कुछ तो मतलब कारनामा करके रखा है। वो आप पे कैसे ट्रस्ट करेंगे? इंटरनेशनल बायर्स जो आपको जानते ही नहीं है, आपको कभी उन्होंने विजिट नहीं किया है, वो कैसे आप पे ट्रस्ट करेंगे? वो ट्रस्ट तभी करेंगे जब आपने अपना अचीवमेंट पूरे मेल में डाला हुआ है कि हाँ, हमने कम से कम 20-25 बड़े बड़े इंटरनेशनल बायर्स के साथ, कंपनीज के साथ काम किया है, एक्सपोर्ट किया है। लेकिन इनके लिए ठीक है, इनके लिए ये डेटा हो सकता है काम आ सकता है और आते भी हैं। लेकिन मैं बात करूंगा जो एकदम न्यू है इस मार्केट में, जो एकदम फ्रेशर है, जो अपना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस अभी चालू करना चाहते हैं, उनके लिए क्या क्या उनके लिए ये डेटा कारगर है? जी नहीं दोस्तों, सिर्फ डेटा में मेल करने से आप अपने कंपनी का एक वेबसाइट ज्यादा से ज्यादा बना सकते हैं, आप बता सकते हैं आप ये कर सकते हैं, लेकिन वो जो दूसरे एक्सपीरियंस लोग हैं उनको छोड़कर वो कभी भी कंपनी आप पे ट्रस्ट नहीं करेगी अगर आप एकदम नए हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि वो 7 तरीके जिससे अगर आप फ्रेशर भी हैं इस बिजनेस में तो भी आप बायर इजीली इजीली नहीं बोलूंगा दोस्तों, लेकिन हाँ, आप चांसेस काफी ज्यादा रहेगा कि आपको बायर मिल जाएंगे, और कुछ कुछ केसेस में तो 100% मिल ही जाते हैं। मैं वैसे टॉपिक्स, वो 7 टॉपिक्स आपसे डिस्कस करने आज आया हूं। तो दोस्तों, चलिए चालू कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स है। तो सबसे पहला जो है दोस्तों, याद रखिए, अगर आपका कोई भी रिलेटिव या कोई भी फ्रेंड कोई भी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन पे रहता है जहां पर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, ठीक है दोस्तों, तो उस जगह पे आपका, आपके जो रिलेटिव है, फ्रेंड है, अगर वो आपको हेल्प करते हैं बायर से बात करने में ऑन बिहाफ ऑफ यू, जो जो प्रोडक्ट्स आप बनाते हो, मैन्युफैक्चर करते हो या ट्रेड करते हो उस पे, अगर वो जाके जो उस बायर्स से बात करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, तो उनसे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल सकता है दोस्तों। और आप उनको ट्रैक भी कर सकते हैं क्योंकि आपके रिलेटिव और फ्रेंड उस कंट्री में है, तो कुछ सी भी मतलब बहुत ही चांसेस कम रहता है कि आपके साथ धोखाधड़ी हो सकता है या फिर कोई भी मिसकम्युनिकेशन हुआ तो आप कम्युनिकेट, बार बार जाना भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इस केसेस में अगर आपका कोई भी रिलेटिव या फ्रेंड अगर इंटरनेशनल डेस्टिनेशन में है जहां आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो बहुत फायदा मिल सकता है। याद रखना दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये चीज अगर आपको मिल जाता है, ये बेनिफिट मिल जाता है, और वो रिलेटिव या फ्रेंड आपके लिए काम करने के लिए रेडी हो जाता है, आपको हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है, तो आपका काम सबसे पहले तो इसमें आराम से बन जाने के चांसेस काफी ज्यादा है दोस्तों। मैं वही चीजें डिस्कस कर रहा हूं जो सच में जेन्युइन है, सच में जेन्युइन आपको बायर मिलने के चांसेस है। मैं कोई भी ऐसा चीज नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ वीडियो बनाने के लिए जो बाकी लोग कर रहे हैं,
तो दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि ट्रैवल किया करें आप। दूसरा पॉइंट जो है कि आपको ट्रैवलिंग करना पड़ेगा दोस्तों। याद रखिए 80% से ज्यादा जो एक्सपोर्ट का डील होता है वो जब तक आप मीटिंग नहीं करते हैं ना तब तक नहीं होता है दोस्तों। आपको अपने बायर से मिलना जरूरी है। एक्सपोर्ट बिजनेस जो होता है ना वो नेटवर्किंग और दूसरा जो है वो भरोसे का बिजनेस है। तो वो जब तक आपसे मिलेगा नहीं वो आप पे भरोसा नहीं करेगा आपका बायर। तो आप कोशिश करिए कि आप इंटरनेशनल टूर करते रहो। हाँ एक बात याद रखना, हो सकता है कि इंटरनेशनल टूर में आपके थोड़े पैसे जरूर खर्च हो जाएं, लेकिन एक बात याद रखना दोस्तों कि अगर आपको एक भी क्लाइंट मिलता है और आपने उनको सर्विस अच्छा दिया, आपने आपका प्रोडक्ट अच्छा भेजा, अच्छे प्राइस में दिया, तो वो आपके परमानेंट क्लाइंट बन सकते हैं। तो आपको एक दो बार बस जाना पड़ेगा, बाकी आप पे ट्रस्ट हो जाने के बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको ऑर्डर बस भरोसे में मिलता चला जाएगा। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है और आपको कोई भी बहुत बड़ी बड़ी जगह जाने की जरूरत नहीं है। आप ऐसी जगह जा सकते हैं जहां पर आप 30,000 to 40,000 में अपना ट्रिप कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा जिसमें आप 30,000 to 40,000 में ऐसे ऐसे डेस्टिनेशन जा सकते हैं जहां पे इंडिया बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है और इस 30,000 to 40,000 में आप 4-5 दिन रह के भी आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो तीसरा जो है वो है आपका इंटरनेशनल एक्सपो। जी हाँ दोस्तों, अगर कहीं पे इंटरनेशनल एक्सपो लग रहा है, एक्सिबिशन लग रहा है, उसको जरूर अटेंड करें क्योंकि ये बहुत बड़ा स्कोप है यहाँ पे आपको इंटरनेशनल बायर्स मिलने का। आप इंटरनेशनल एक्सपो में अगर अटेंड करते हैं वहां बहुत सारे बायर्स आते हैं, आप वहां पर नेटवर्किंग कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को उन बायर्स को बता सकते हैं। तो ये बहुत, इसको तो कभी मिस ना करें, चाहे वो इंडिया में लगे, चाहे वो दुबई में लगे, चाहे किसी भी कंट्री में लगे। अभी दुबई में आने वाले समय में, अभी 2021 में भी जून या जुलाई में एक इंटरनेशनल एक्सपो होने वाला है दुबई में। अगर आप चालू कर रहे हैं या एकदम नए हैं तो जरूर इसे अटेंड करने की कोशिश करें दोस्तों। अब तीन चीजें मैं आपको बता चुका हूं, चौथा मैं आपको बताने वाला हूं जो कि अभी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है और वो है सोशल मीडिया। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया में आप अच्छे कनेक्ट्स बना सकते हैं। देखिए मैं फेसबुक भी है, फेसबुक बहुत ज्यादा एक्टिव है, लेकिन फेसबुक में ज्यादातर 90% सोशलाइजिंग होता है, 10% बिजनेस होता है। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप लिंक्डइन पे कोशिश करें। लिंक्डइन पे आपको 90% जो है बिजनेस की बातें होती हैं, ट्रेड्स रिलेटेड बातें होती हैं। अगर आप फेसबुक में हैं तो आप इसमें थोड़ा पेड कैंपेन कर सकते हैं तो आपको जेन्युइन बायर मिल सकते हैं। आप जब कीवर्ड्स डालेंगे पेड कैंपेन के लिए फेसबुक में, तो दोस्तों जिस भी कंट्री को आप टारगेट कर रहे हैं उसको ही टारगेट करिए ना। जैसे आप कीवर्ड में दुबई, अगर आपने दुबई टारगेट किया है या फिर आपने मेडागास्कर ईस्ट अफ्रीका टारगेट कर रहे हैं, तो आप वो सब कीवर्ड डालें तो आपको जो भी लीड्स आएंगे ना आपको उसी एरिया से आएंगे। तो ये काम आप कर सकते हैं दोस्तों। इवन आप जो इसके बाद आता है, जो मेरा पांचवा पॉइंट है, वो गूगल एडवर्ड्स है, वो भी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आता है। तो डिजिटल मार्केटिंग में इसमें भी क्या है कि आप उस पर्टिकुलर कंट्री में जहां आप टारगेट करना चाहते हैं वहां पे उसका जो कीवर्ड्स है उस कंट्री से रिलेटेड और आपके जो प्रोडक्ट का कीवर्ड है वो आप इस्तेमाल करें, तो जो भी बायर्स मिलेंगे आपको उसी कंट्री से और उसी आपके ही प्रोडक्ट से रिलेटेड मिलने के चांसेस रहेंगे दोस्तों। ठीक है, ये आप एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और इसका आप फायदा उठा सकते हैं दोस्तों। उसके बाद मैं छठा पॉइंट जो बोलूंगा दोस्तों, क्लियरिंग एजेंट। देखिए क्लियरिंग एजेंट भी आपको डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं दोस्तों। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आप नए हैं तो आप डेटा पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, बहुत सारे आपको वीडियो मिलेंगे लेकिन वो आपके लिए नहीं है। अगर आप फ्रेशर हैं, आपको थोड़ा और ज्यादा एक्टिव होकर और दिमाग से काम करना होगा, आप डेटा पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। लेकिन क्लियरिंग एजेंट का जो डेटा रहता है ना दोस्तों, वो बाकी डेटा से थोड़ा अच्छा इसलिए माना जाता है क्योंकि उनके पास रीसेंट एक्सपोर्ट का डेटा रहता है। मतलब अगर आप मान लीजिए कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अगर आप डेटा लेते हैं, कोई चैंबर ऑफ कॉमर्स से, तो बहुत पुराने पुराने डेटा रहते हैं, अपडेटेड भी नहीं रहता है ईमेल आईडी। इवन अगर आप एम्बेसी से लेते हैं, जिस पर्टिकुलर कंट्री में आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वहां पे इंडियन एम्बेसी से लेते हैं, तो वो भी हो सकता है अपडेटेड नहीं हो जाए, सर अपडेटेड नहीं रहते हैं। लेकिन क्लियरिंग एजेंट के पास जो डेटा रहता है ना दोस्तों, वो एकदम अपडेटेड रहता है, जो हाल फिलहाल में लोगों ने एक्सपोर्ट किया है। तो 99.9% चांसेस रहता है कि उनका ईमेल आईडी काम जरूर करेगा दोस्तों। लेकिन हाँ एक बात मैं फिर जोड़ूंगा, विजिट आपको करना ही पड़ेगा, उनको मिलना ही पड़ेगा। अगर फिर भी, अगर बिना मिले भी अगर वो आपको ऑर्डर दे देते हैं तो समझ लीजिए वो बायर नहीं, वो भगवान है आपके लिए। आजकल के जमाने में जबकि इतना ज्यादा फ्रॉड होता है खास करके एक्सपोर्ट मार्केट में, तो मिलना बहुत जरूरी है। लेकिन ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, एक बार जाइए
और एक बार जब ट्रस्ट बन जाता है ना, तो दोबारा आपको फिर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा सोच के जाइए कि आप घूमने जा रहे हैं और साथ साथ में वहां के जो मार्केट है वहां भी आप मार्केट में भी घूम सकते हैं, नए नए बायर ऐसे रैंडमली भी फाइंड कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि इंडिया से क्या क्या चीजें आती हैं, और जिससे मिलने जाना है उससे भी मिल सकते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और सातवां जो मेरा पॉइंट है वो है जो B2B पोर्टल्स होते हैं, जैसे कि इंडिया मार्ट है, इंटरनेशनल में अलीबाबा है, ये सब में आप एनलिस्ट कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन याद रखना, अलीबाबा में 1 लाख से ऊपर का सब्सक्रिप्शन आता है साल भर का, तो अगर आप इतना पैसा खर्च नहीं करना चाहते तो मैं आपको बिल्कुल भी इसमें प्रिफर नहीं करूंगा। इंडिया मार्ट में भी 30-40,000 लग जाता है दोस्तों। लेकिन हाँ, एक चीज आप कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिस कंट्री में भी आपको एक्सपोर्ट कर रहा है उस कंट्री में भी बहुत सारे लोकल B2B पोर्टल होते हैं, आप उसे फाइंड आउट करके गूगल से उसको ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। तो ये था मेरा 7 पॉइंट। इस 7 पॉइंट को अगर आपने फॉलो किया दोस्तों, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप जितने भी क्लाइंट से मिलेंगे, आपको अगर जाके आप मिलते हैं ये 7 पॉइंट फॉलो करते हैं, तो आपको जरूर बायर्स मिलेंगे। और बेसिकली ये जो मेरा वीडियो है ना दोस्तों, ये बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस वालों के लिए नहीं है, ये बिगनर्स के लिए है। एक्सपीरियंस वाले तो मेल भी करेंगे तो उनका काम हो जाएगा, क्योंकि उनके वेबसाइट में बहुत सारे क्लाइंट्स के डेटा डाला हुआ है कि इन इन क्लाइंट के साथ काम किया है, तो फिर क्या है, भरोसा जल्दी हो जाता है। लेकिन अगर हम सच्चे भी हैं, लेकिन हम फ्रेशर हैं, बिगनर हैं, तो हमें हम पे भरोसा करना इंटरनेशनल बायर के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है दोस्तों। और हम भी कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं कि हमें कोई फ्रॉड बायर ना मिल जाए, क्योंकि बहुत बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि जो भी नए लोग एक्सपोर्ट स्टार्ट करना चाहते हैं और भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, भारत के जो नया जितने भी इंडियन मैन्युफैक्चरर हैं उनके प्रोडक्ट को ग्लोबल करना चाहते हैं और एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा बायर फाइंड आउट करने में। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप सब्सक्राइब जरूर करना मेरे वीडियोस को, और भी मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आता रहूंगा। जय हिंद।